जवान ट्रेलर, जवान ट्रेलर, जवान ट्रेलर, भाई आ चुका है ट्रेलर, जहां एसआरके का वो टकला वाला कैरेक्टर कोई विलन नहीं बल्कि एंटी हीरो का भी बाप है। पिछला वाला ट्रेलर या प्रीव्यू में हमें पता लग चुका था कि भाई जवान मूवी में एसआरके का डबल रोल होने वाला है, बट वहां पे इतने सारे अलग अलग लुक्स दिखाया गया था कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एसआरके कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। खैर इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, बट पिछले प्रीव्यू के साथ इस ट्रेलर को अटैच करके कहानी का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि यहां पर कोई एक बंदा जिसको राजा कह के पुकारा जाता है, जो अपने लोगों का रक्षा करते करते हार चुका है, जिसमें एक कहानी तो सबने सुना है कि किसी सही रास्ते में तुम कुछ अच्छा काम करने जाओगे तब लोग तुम्हारा इज्जत तो दूर की बात तुम्हें दबा देने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से एसआरके की ये सन की कैरेक्टर एक गलत रास्ते में एक सन की वे में लोगों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, और जैसे कि हम सबको पसंद है एक हीरो से ज्यादा एक एंटी हीरो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और एग्जैक्ट एसआरके का ये टकला वाला कैरेक्टर कानून के सामने गलत होकर पब्लिक के सामने हीरो बनना चाहता है। बट ये चीज शायद इस मूवी का कंक्लूजन नहीं, क्योंकि विजय सेतुपति का कैरेक्टर एक वेपन डीलर का रोल निभा रहे हैं, जिसमें लग तो रहा है भाई एसआरके का ये सनकी वाले कैरेक्टर का जर्नी उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि भाई विजय सेतुपति के कैरेक्टर को देखकर लगता है वो कोई टिपिकल विलन नहीं है, उसका भी कोई और एक बहुत बड़ा मकसद है। खैर जवान के कहानी के बारे में किसी और वीडियो या थ्योरी वाले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, पहले ट्रेलर की बात करते हैं। ओवरऑल ट्रेलर के टोन और प्रेजेंटेशन को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने लार्जर लाइफ टाइप स्केल से ओवरऑल ट्रेलर को एग्जीक्यूट किया है, लगता है भाई इस ट्रेलर में पैसा खर्च किया गया है, इस मूवी में पैसा खर्च किया गया है, 300 करोड़ बजट है भाई साहब। ट्रेलर में एक शॉट में एसआरके का 2-3-4 लुक फटाफट रिवील होता है, जिसमें मैंने बताया था कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मैं जानता हूं मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं, बट समझो बात को, बट ये चश्मा पहनने वाला कैरेक्टर मैं कंफर्म हूं कि ये जवान का बाप है, जिसमें ओवरऑल ट्रेलर देखकर समझ में आ रहा है कि बाप बेटे का जो फंडा होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला। बट एसआरके का वो सन की टकला वाला रोल इस बाप का बेटा है या वो पुलिस ऑफिसर इस बाप का बेटा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। खैर ट्रेलर का ओवरऑल बीजीएम बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली वो कुत्ते वाला सीन बहुत फनी था यार। ट्रेलर में इतने सारे कट्स भाई, एक सीन को तो दिखाओ, इतने कट मारोगे तो हम देखेंगे कैसे। खैर समझ सकते हैं कि शाहरुख खान हमें रिवील करना चाहते हैं, बट उतना भी नहीं। उसके बाद भाई ट्रेलर में अटली कुमार की डायरेक्शन स्टाइल टिपिकल साउथ इंडियन वाइब लेकर आता है, किसी भी एंगल से ये मूवी तुम्हें एक बॉलीवुड मूवी का वाइब नहीं देने वाला, और मैं बता रहा हूँ अटली कुमार ने शाहरुख खान का फुल पोटेंशियल निचोड़ लिया, मतलब जितनी तरीके से एसआरके को इस्तेमाल किया जा सकता है अटली ने वो किया है। उसके बाद भाई तुम्हें याद होगा कि पिछले प्रीव्यू में हमें डायलॉग्स उतना सुनने को नहीं मिला था, बट इस ट्रेलर में डायलॉग्स हैं, बट उतना भी नहीं, जो डायलॉग है वो माहौल बना देता है, स्पेशली वो टकला वाला एसआरके से कॉमेडी वाला फीलिंग तो बहुत आता है, जहां मेट्रो में टकला एसआरके को पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो कहता है चाहिए तो आलिया भट्ट। और मैं बता रहा हूँ शाहरुख खान का ये रेडी कहने वाला तरीका ना ट्रेंड बनने वाला है। ट्रेलर में एक चीज तो कंफर्म है, एसआरके का कैरेक्टर अलग अलग लुक्स के द्वारा अलग अलग आइडेंटिटी क्रिएट करके रखा है, इसी वजह से तुम देख सकते हो नयनतारा एज पुलिस ऑफिसर उसका मकसद ढूंढ नहीं पा रहे कि भाई हीरो कौन है और विलेन कौन है, जिसमें भाई विजय सेतुपति को देखकर मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रहा था, भाई एटली अपने क्या बना दिया है विजय सेतुपति को, ये कौन सा कैरेक्टर है, ये चाहता क्या है। हाँ भाई जानता हूँ काली नाम बहुत बैडस है, बट बॉलीवुड के विलेन को थोड़ा सा तो चांस दीजिए भाई, एज विलेन एसआरके के साथ विजय सेतुपति टक्कर का बराबर होने वाला है, बहुत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लाइन के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये मूवी बवाल होने वाला, क्योंकि स्टोरी लाइन का जो डेप्थ है वो हमें ट्रेलर के एंडिंग में पता चलता है एक इमोशनल सीन के द्वारा, लिटरली वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कितनी बुरी तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, जिसमें ओवरऑल ट्रेलर का सबसे बेस्ट डायलॉग मुझे ये लगा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो। बाप मतलब किसका बाप, सनकी का बाप या जवान का बाप या किसी और का बाप, मतलब किसका बाप बताओ, कंफ्यूजन क्रिएट होना है ना। ओवरऑल ट्रेलर में एसआरके का प्रेजेंस, उनका रोमांस, उनका एटीट्यूड, उनका एक्टिंग स्किल, सब कुछ इतना अच्छी तरीके से उभर के आता है कि तुम्हें लगेगा कि एसआरके का बेस्ट मूवी एवर, बट नहीं बॉस। फिर भी मैं फिर से कहना चाहूंगा एटली एज डायरेक्टर एसआरके का फुल पोटेंशियल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, भाई इसे मैं ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी तो नहीं कह सकता, बट एसआरके के करियर में ये मूवी एक बहुत बड़ा सेंचुरी मारने वाला है, स्पेशली एटली भाई आपने तो कमाल कर दिया, दैट इज कॉल्ड मास। तो भाई मेरा इस वीडियो का कंक्लूजन एक ही है, एटली प्लस एसआरके इक्वल टू धमाका, बॉक्स ऑफिस धमाका, बस स्टोरी अच्छा होना चाहिए। खैर तुम बता तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा, मुझे तो पसंद आया, बट मैं फिर से कहना चाहूंगा ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी ऐसा कुछ नहीं। ओके लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।